अपनी किसी से तुलना मत करो, जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह दोनों अपने वक्त पर चमकते हैं। अगर केवल इसीलिए आप अपने काम को करना बंद कर रहे हैं क्योंकि किसी को लगता है कि आप नहीं कर सकते, तो वो आपका सपना नहीं था, बस एक छोटी सी इच्छा थी। अच्छे वक्त का इंतजार करो संघर्ष और धैर्य के साथ। जो लोग आपको पर्सनली नहीं जानते, उनकी बातों को पर्सनली कभी भी नहीं लेना चाहिए। एक पागल और होशियार में यही फर्क है कि होशियार की एक सीमा होती है और पागल की कोई सीमा नहीं होती है। जिस तरह से जन्म के बाद पूरी दुनिया बधाई देती है, पर एक माँ को ही पता होता है कि उसे बच्चे को जन्म देने में कितनी कठिनाइयाँ देखी है। उसी तरह जिंदगी में कामयाब होते हैं तब सब आपको बधाई देते हैं, पर वो आपको ही पता है कि इसे पाने के लिए आपने कितना दर्द सहा है, कितनी ठोकरें खाई है। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश दूर हो जाए। जब हम खुद को समझ लेते हैं, तब और कोई हमारे बारे में क्यों सोचता है, क्या सोचता है, ये हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरों के बारे में उतना ही बोलो जितना खुद के बारे में सुन सको। अकेले रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहना जो कि आपकी वैल्यू नहीं जानते हैं या आपकी वैल्यू नहीं करते हैं। रिस्क लेना पछतावा करने से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि दरअसल रिस्क ना लेने से सबसे बड़ा रिस्क है। और अगर रिस्क लेकर कुछ गलत भी हो गया, तो याद रखना कि गलतियाँ इस बात का सबूत है कि आपने कोशिश की है, आप कोशिश कर रहे हो। जिंदगी में कठिनाइयाँ आए तो उदास मत होना, बस ये याद रखना कि मुश्किल रोल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। जो व्यक्ति शक्ति न होते हुए भी मन से नहीं हारता, उसको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। अपनी लाइफ की स्टोरी को किसी मूवी से तुलना मत करो, वो किसी स्क्रिप्ट राइटर ने लिखी है और आपकी जो स्टोरी है ऊपर वाला लिख रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे बीते हुए कल को, जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, और भविष्य को कहता हूँ कि मैं और भी कुछ सीखने के लिए तैयार हूँ। तारीफ निकालने वालों से ज़्यादा गलतियाँ निकालने वालों को सीरियसली लो, क्योंकि तारीफ करने वाले कभी भी सच बोल सकते नहीं हैं। आज जो दर्द सह रहे हैं वो कल आपकी ताकत होगी। गलती उसे कहते हैं जिससे आपने कुछ नहीं सीखा। कई बार सिर्फ सुन लिया करो। इस दुनिया में अब समझाने वालों की ज़रूरत नहीं है, समझने वालों की ज़रूरत है। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो, और यदि चल नहीं सकते तो रेंगते हुए चलो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। खुशी आपके एटीट्यूड पर निर्भर करती है, आपके पास क्या है उसके ऊपर नहीं। पुरानी आदतें नए रास्ते नहीं खोलती। उन पर ध्यान दो जो अभी आपके पास है, जो नहीं है उन पर नहीं। कितना अच्छा हो जब आप अपने माइंड को इतना ट्रेन कर दो कि जब भी कोई आपको कुछ कह दे तो आपको बुरा ना लगे। वहाँ आप साइलेंट रहें, क्योंकि कई बार चुप रहने में ही सबसे बेहतरीन जवाब होता है। सोते हुए को जगाया जा सकता है, पर कोई इंसान अगर सोने का ढोंग कर रहा है तो उसको नहीं जगाया जा सकता है। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। इंसान सफल तब होता है जब वो ये समझ लेता है हर इंसान अपनी जगह सही होता है। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को अपने आप को इंटेलिजेंट साबित करना बंद कर देता है। इंसान सफल तब होता है जब हर इंसान में पॉजिटिव साइड देखना चालू करता है।
इंसान सफल तब होता है जब वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर देता है। इंसान सफल तब होता है जब वो जरूरत और चाहत के बीच का फर्क समझ लेता है। हम सब बड़े होते हैं, बड़े होते ही कुचल देते हैं पैरों तले अपने बचपन को, लेकिन कुछ लोग उसे अपने अंदर जिंदा रखते हैं। खर्च करने के बाद जो बचा है उसको सेव मत करो, बल्कि पहले सेव करो और उसके बाद में जो भी बचेगा उससे खर्च करो। अपने जीवन के सारे दिन एक कैदी की तरह गुजारने से अच्छा है कि आज़ादी के लिए लड़ते हुए मर जाओ। शुरुआत सपने देखने से ही होती है। जो खिलाड़ी है उसी को पता है कि वो कितनी बार फेल हुआ है। ऑडियंस को उसकी आखिर कोशिश ही नज़र आती है जो उसकी काम कर गई थी। गिरना अच्छा है, औकात पता चल जाती है। थामने वाले कितने हाथ है ये बात भी पता चल जाती है। कभी हार मत मानो। याद रखना, कोका कोला कंपनी ने पहले साल में केवल 25 बोतल बेची थी। भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर। कभी ऐसे रुकना मत, और ऐसा दौर कभी आएगा ऐसा सोचना मत। जो शेर जितना जख्मी होता है वो उतना ही भड़क के साथ वापस आता है। अच्छे काम करते रहिए, चाहे कोई तारीफ करे या ना करे। आधी से ज़्यादा दुनिया सोती रहती है और सूरज फिर भी उगता है। इतने आसान मत बनो कि कोई भी आपको जान सके। उन्हें जोर लगाने दो, यह समझने दो कि आप दरअसल क्या हो। जिंदा इंसान की ये बात है, बिना डरे बोल सकता है। कितने ही दुख हो, कितने भी स्ट्रगल हो, उन सब परेशानियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जिंदगी में इतनी तेजी से आगे बढ़ो, दौड़ो कि बुराई के धागे आपके पैरों में ही आकर टूट जाए। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वही लोग बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। आदमी विकलांग शरीर से नहीं होता है, मन से होता है। अगर मन से विकलांग हो गया तो हमेशा के लिए विकलांग हो जाएगा। अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूर्य की तरह तपें। लाइफ में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो। जब तुम ऊपर उड़ पाते हो, लोग तुम पर पत्थर फेंकेंगे। नीचे मत देखो, बस ऊपर उड़ते जाओ ताकि वे पत्थर तुम तक नहीं पहुंचे। मैं उन सभी का शुक्रगुजार हूँ जो मेरे काम को करने से मना कर देते हैं। ऐसा क्योंकि फिर मैं उस काम को खुद के तरीके से सीखता हूँ।